माशाल्लाह, इट्स वेरी नाइस उस्मा, क्या गजब का कलर है। लगता है सासू माँ बड़ा प्यार करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज वेरी नाइस लेडी, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यू नो ईद सेलिब्रेशन। ये हर दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग जब भी वापस आते हैं तो ईद सेलिब्रेट करने के लिए हमारी फैमिली में, मेरी इन लॉज में एक मेरी यंगर सिस्टर है, शी इज़ माशाल्लाह प्री मेडिकल स्टूडेंट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन एवरी एस्पेक्ट, शी हैज़ माशाल्लाह ट्रू सेंस ऑफ आर्ट्स अलॉन्ग विद यू नो साइंसेज। तो ये बहुत अच्छा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर बंदे को, वो हर बच्चे से लेके बड़े को, सबको जो है वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करती है, सबको ऑफर्स करती है यू नो। मैं देख रही हूँ कि आजकल हमारी बच्चियाँ माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड हैं। ट्रू, ऐसे ही है, मतलब इधर से मेडिकल के स्टूडेंट प्लस आर्टिस्ट, माशाल्लाह। शी इज यू नो डेफिनेटली शी कैन स्टिच हर ओन क्लोथ्स, शी आई थिंक आल्सो हाफिजा। यस, शी इज माशाल्लाह, शी इज हाफिज आल्सो माशाल्लाह। तो she offers you know, she come to everyone's and she offers her you know ki main aapko laga dun, aapne lagwani hai, aapne lagwani hai, to you know ye bahut maza aata hai, ye bahut bachchon ke liye ye activity jo hai unko kafi der ke liye busy kar deti hai aur mothers ko free kar deti hai unki responsibility se, chale mobile se azad hue, ye ek acha hai ki acha waise bhi appreciated hai khawateen ke liye hai, allah azza wa jal ka ehsaan hai ki usne zeenat ki cheezon ko hamare liye halal kiya। और फिर ये कितनी अच्छी एक्टिविटी है कि कम से कम बच्चे चांद रात मेहंदी की खुशी में और ईद की खुशी में कुछ टाइम के लिए मोबाइल से दूर हो जाते हैं, जो इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसके अलावा जो है, बट जब ये मेहंदी लगा रहे होते हैं तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा होता है कि ये पील हो रही है तो क्या इससे वुजू होगा या नहीं होगा, तो इस सिलसिले में डॉक्टर साहब आप हमारे रहनुमा। बहुत अहम बात है, बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हल्की हल्की उतरना शुरू होती है तो सम टाइम उसके छिलके बन के उतर रहे होते हैं, तो कुछ सिस्टर्स कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये मेहंदी की ऊपर लेयर थी या ये हमारी स्किन का है। अगर मेहंदी की थी, अर्थ की लेयर थी, फिर तो हमारा वुजू नहीं होता होगा। रिलैक्स रहिए, ये मेहंदी का हिस्सा नहीं होता, मेहंदी सिर्फ वही होती है जो जमी हुई होती है या जिसको गीली को आप वॉश कर लेते हैं, और हाँ उसमें से अगर कोई चीज़ लगी रह जाए तो जाहिर है कि वो पानी स्किन तक पहुँचने में रुकावट है, तो वुजू नहीं होगा, वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। और बल्कि ये बहुत सख्त वईद वाली भी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में बताया कि जिसको सिर्फ इस वजह से अजाब होगा कि वो वुजू सही नहीं करता था और उसकी एक नमाज में वुजू कहीं से खुश्क रह गया, मुकम्मल आज़ाए वुजू गीले ना हुए, खुश्की की बिना पर उसे 100 कोड़े लगाए जाने का हुक्म हुआ, हत्ता कि फिर माफ़ करते करते जब एक बचा, वो एक उसे लगाया गया, तो उस एक के लगने से, एक कोड़ा फरिश्तों के उसे मारने से उसकी कब्र आग से भर गई, अलायादु बिल्ला। तो इस मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए, और वाकई नेल पॉलिश या कोई भी चीज़। अच्छा, इससे मुझे एक ये भी नज़र आ रहा है कि मेकअप करती हैं तो समटाइम वाटर प्रूफ आईलाइनर होते हैं या मस्कारा होता है या इसी तरह वाटर प्रूफ मतलब बेस होती है स्किन फाउंडेशन, तो ये तमाम चीज़ें जब वाटर प्रूफ हैं तो आपकी जिल्द को गीला नहीं कर रही, तो वो वुजू में रुकावट है, वुजू नहीं। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्रोडक्ट आ गई हैं जो ब्रीदेबल है, इवन नेल पॉलिश से लेकर बाकी चीज़ें जो हैं वो ब्रीदेबल होती हैं और वो जो है वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो थोड़ी सी मतलब कॉस्टली होती हैं और अवेयरनेस भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है। और तो ऐसी चीज़ें जो आपकी इबादत में रुकावट हो उनसे अवॉइड करें, क्योंकि देखें आपने कहा कि मैं पांचों टाइम में उतार लूंगी, एक दिन की बात है, क्या होता है, सोचिए, इमेजिन अगर थोड़ी सी जगह खुश्क रह गई तो क्या फरिश्तों का वो एक कोड़ा हम सह सकेंगे, हरगिज़ नहीं। तो उस वक़्त के लिए हमें हमेशा ख्याल रखना है और ऐसा कोई काम नहीं करना। अब जहाँ तक मेहंदी की बात है तो ये जो उतर रहा होता है वो मेहंदी का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वो इन लाइटर बहुत पतली सी हल्की सी, हमें फील भी नहीं होता, केमिकल के असरात की वजह से, हार्श केमिकल की वजह से हमारी स्किन पील हो रही होती है, स्किन जिल्द उतर रही होती definitely, है you know, उसकी कई लेयर्स होती हैं, वो स्किन जो है वो डेड स्किन जो है वो रिमूव होती रहती है लेयर बाय लेयर, और ये जो है वो ग्रो करती रहती है, ऐसा नहीं है कि जो एक दफ़ा ऑर्गन बन जाए, स्किन जो है वो ऐसा है कि इट्स मल्टी लेयर ऑर्गन और हमारी जो है वो स्किन पील ऑफ होती रहती है। तो ये वो चीज़ होती है, इससे आप रिलैक्स रहें, ये आपके वुजू में रुकावट नहीं है इंशाल्लाह। और इसी तरह वो जो अर्क लगाया जाता है नाखून पे, वो भी नाखून गीले होते हैं, तो इस हवाले से कोई परेशानी नहीं है। अलाउ किया है मेहंदी लगाना, तो आई थिंक ये मेहंदी का कलर रुकावट नहीं है, अलबत्ता इसके अलावा जो मतलब नेल पॉलिश नेल्स के लिए या मेकअप में अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उन्हें ज़रूर माइंड में रखिए और अवॉइड कीजिए।